हाउ टू कॉल वोटर आईडी कार्ड कस्टमर केयर। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। मेरा आज का वीडियो वोटर आईडी कार्ड के कस्टमर केयर को लेकर जुड़ा है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप वोटर आईडी कार्ड के कस्टमर केयर को किस तरह फोन कर सकते हो, किस तरह उससे बात कर सकते हो। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ जो आप सभी लोगों के लिए काफी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप में से काफी लोग होंगे जिनको वोटर आईडी कार्ड को लेकर समस्या आ रही होगी, किसी का नाम गलत होगा, किसी का कुछ गलत होगा, और अगर किसी ने नया वोटर आईडी कार्ड अपना बना भी रखा है तो वो उसको मिला नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम सभी के साथ में होती है, हम लोगों के साथ में भी होती है। अभी हाल ही में मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड को अपडेट किया था, मेरा वोटर आईडी कार्ड अपडेट भी हो गया है, वेरीफाइड भी हो गया है और वहां से डिस्पैच भी हो गया, लेकिन मुझे अब तक मिला नहीं है। जो मेरा अपडेट हुआ था वो हुआ था मई में, यानी बीओलो के पास पड़ा है, लेकिन बीओलो ने यहाँ हमारे जो पार्षद होते हैं उनको वो दिया है और मुझ तक पहुंचा ही नहीं है, या भगवान जाने कहाँ पड़ा है। तो ऐसे में प्रॉब्लम हमको होती है, हम बीओलो से बोलते हैं, पूछते हैं, तो वहां से हमें बिल्कुल सही जवाब नहीं मिलता। वो तो बोलते थे कि हमने भैया आपके नेताओं को दे दिया, आप उनसे मांग लीजिए। तो बात आती है कि आखिर हम अपनी कंप्लेन कहाँ करें। तो ऐसे में आप वोटर आईडी कार्ड के कस्टमर केयर को फोन करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हो, और जब आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी तो उसके बाद जो आपका बीओलो है वो खुद आपके घर आकर आपका वोटर आईडी कार्ड देगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर हम किस तरह वोटर आईडी कार्ड के कस्टमर केयर को फोन करते हैं। पहले मैं आपको उनका नंबर दिखाता हूं और फिर मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलूंगा और उनका नंबर डायल करके आपको दिखाऊंगा, साथ ही उनसे बात भी करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां मैं गूगल पे आ चुका हूं, गूगल पे मैं लिखता हूं वोटर आईडी कार्ड। ये मैंने वोटर आईडी कार्ड लिखा, वोटर आईडी कार्ड लिखते ही देखिए सबसे टॉप पर इनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। मैं इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूं। जब ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है तो आपको यहाँ नीचे आना है, नीचे आपको देखिए टोल फ्री नंबर दिखाई दे रहा है, ये टोल फ्री नंबर है। इस नंबर को मैं आपको स्क्रीन पे जूम करके दिखा रहा हूँ, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए 1800111950। आपको इसी नंबर पे कॉल करना, एक ही नंबर हो गया, एक नंबर होता है इनका 1950, यानी लास्ट की जो चार नंबर है आप चाहें तो इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए सीधा मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको इसी नंबर से कॉल करके दिखाता हूँ। ये मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ, अब मैं यहाँ से इनका जो नंबर है वो डायल करता हूँ 1800111950। ये देखिए ये नंबर मैंने यहाँ डायल कर दिया, पहले भी मेरी इनसे बात हो चुकी है। आप किसी भी सिम से इस पर कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल मैं अपने सेकंड वाले सिम से यहाँ कॉल कर रहा हूँ और यहाँ से मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ। वेलकम टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग में आपका स्वागत है। यहाँ आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से मैंने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी है। यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपकी बात इनके कस्टमर केयर से हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, ये देखिए मेरा यहाँ कॉल लग गया है, अब मेरी बात इनसे हो रही है। मैं आपको केवल थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुना पाऊंगा, आप सुन लीजिए। नमस्कार, भारत निर्वाचन आयोग के राज्य संपर्क केंद्र में आप सर, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। सर मैंने अपने वोटर आईडी कार्ड में ना कुछ अपडेटिंग करवाया था, तो मुझे अब तक मेरा वोटर आईडी कार्ड मिला नहीं है। मैं आपको अपना ट्रैकिंग आईडी बताऊं? आपकी बेहतर जानकारी के लिए क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम है मयंक भारद्वाज। मयंक जी आपका स्टेट जान सकता हूं? उत्तराखंड। हाँ जी उत्तराखंड, हरिद्वार से बोल रहा हूं। हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार या हरिद्वार रूरल? हरिद्वार सर। रेफरेंस आईडी नंबर बताइए। 164 जी 33 जी 75 जी 74 आपने।
सर बताना चाहूँगा कंप्लेंट जब आप रजिस्टर करवा देते हैं हाँ जी तो कंप्लेंट आपके जो अधिकारी के पास चली जाती है के पास ओके वहाँ सर कंप्लेंट चेक करके आप पे जो है चेक करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन से ठीक है चेक करते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड अभी तक रिसीव क्यों नहीं हुआ है तो सर एक कंफर्म मुझे कब तक हो जाएगा कितना टाइम लग जाएगा ओके सर मुझे देखा आपने कि मैंने इनसे बात की और जो मेरी प्रॉब्लम थी वो सब प्रॉब्लम मैंने इनको बताई साथ ही जो मुझे ट्रैकिंग आईडी मिली थी जब मैंने फॉर्म भरा था तो एक ट्रैकिंग आईडी हमको मिलती है उस ट्रैकिंग आईडी के माध्यम से इन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा और इन्होंने मुझसे बोला कि आप पहले हमें कंप्लेन लिखाइए जब तक आप कंप्लेन नहीं लिखाएंगे हम एक्शन नहीं लेंगे तो मैंने बीएलओ के खिलाफ कंप्लेन लिखाई और एक कंप्लेन नंबर मुझे मिला है उस कंप्लेन नंबर पर 10 से 15 दिन के अंदर मुझे रिस्पांस मिल जाएगा और जो मेरा वोटर आईडी कार्ड है मेरे घर तक पहुंच जाएगा। तो अगर आपकी भी वोटर आईडी कार्ड को लेकर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप इसी नंबर पर फोन करिए और अपनी समस्या का समाधान तुरंत प्राप्त करें। आपकी जो भी समस्या आपका कोई भी प्रश्न हो आप केवल इसी नंबर पर कॉल करके अपनी हर समस्या का समाधान वोटर आईडी कार्ड से जुड़ा प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल गया होगा कि वोटर आईडी कार्ड के कस्टमर केयर को किस तरह फोन लगाया जाता है। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। आप इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें क्योंकि आपकी तरह और भी बहुत से लोग हैं जो अपनी वोटर आईडी कार्ड की समस्या को लेकर परेशान हो रखे हैं। आपकी वीडियो शेयर करने से उनका भी फायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।